चैनल तो आज मैं आपको डबल अम्ब्रेला फ्रॉक सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताने वाली हूँ तो शायद आप इस डबल अम्ब्रेला के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो इस फ्रॉक सूट की कटिंग हम डबल अम्ब्रेला में तभी करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा हैवी घेर चाहिए होता है और हमारे घेर में हमें एक भी ज्वाइंट नहीं चाहिए होता है तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा तो यहाँ मैंने अस्तर के लिए क्रेप फैब्रिक लिया है जो कि पाँच मीटर मैंने टोटल लिया हुआ है और पांच मीटर ही मैंने जॉर्जेट का कपड़ा लिया था और साथ ही यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर कॉटन का अस्तर लिया हुआ है क्योंकि मैं इसमें डबल अस्तर का यूज़ करने वाली हूँ टॉप पार्ट में तो डबल अस्तर का इस्तेमाल मैं क्यों कर रही हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी क्योंकि जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसमें मार्किंग बहुत आसान होती है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसी मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है अब इसको मैंने चार पर्त में फोल्ड करते हुए रख लिया है इसकी लंबाई देखिए तो मुझे जो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है वो चौदह इंच चाहिए तो मैंने एक इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पंद्रह इंच जितनी इसकी लंबाई ली है अभी यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे तो शोल्डर मैं यहाँ पर ले रही हूँ फाइव पॉइंट सेवेंटी फ़ाइव अब आर होल यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिक्स इंच चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे ढाई इंच पर तो ये ढाई इंच सभी के लिए फ़िक्स है आपको ढाई इंच पर ही मार्क करना है शोल्डर के लिए हल्का सा डाउन जाएंगे पॉइंट ट्वेंटी फाइव जितना ये यार चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे मैं नाइन पॉइंट सेवेंटी फ़ाइव जितनी चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ चेस्ट में हल्की सी ही लूजिंग रखनी है क्योंकि हम डीप नेक बनाने वाले हैं तो डीप नेक में आप ज़्यादा लूजिंग नहीं ले सकते हैं कमर के लिए मैं सेवन पॉइंट सेवेंटी फाइव पर मार्किंग कर रही हूँ अब दो इंच सिलाई मार्जिन का लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब पर आर्म होल का निशान लगाएंगे इसके लिए आपको आर्म होल वाली लाइन का सेंटर मार्क कर लेना है अब सेंटर से दोनों तरफ पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव जितना मार्किंग करना है पॉइंट ट्वेंटी फाइव आधे इंच का भी आधा होता है अब यहाँ पे मैं पॉइंट सेवेंटी फाइव पर एक क्रॉस में निशान लगाऊंगी एक इंच से दो लाइन कम आपको लेना है पॉइंट सेवेंटी फाइव हो जाएगा अब फ्रंट आर्म होल के लिए आगे वाली लाइन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सभी मार्किंग को मिलाते हुए आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है तो ये फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो गया है अब इसी तरह बैक आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेना है इस तरह से मार्किंग करके आप एक परफेक्ट आर्म होल को ड्रॉ कर सकते हैं अब ऊपर से हम एक बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे तो जो मेरा बस्ट पॉइंट है वो है साढ़े नौ इंच उसमें आधा इंच में प्लस करते हुए दस इंच पर निशान लगाऊंगी तो आपका बस्ट पॉइंट जितना भी है उसमें आपको आधा इंच प्लस कर लेना है क्योंकि वो हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में चला जाता है अब यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ एक साढ़े तीन इंच पर यहाँ पे हम टक्स लेने वाले हैं अब नीचे की साइड पे लगा रही हूँ मैं तीन इंच पर ऊपर से आधा इंच कम कर देना है ऊपर साढ़े तीन लिया था तो नीचे तीन अब यहाँ पे मैं टक्स एक नॉर्मल सी टक्स लेने वाली हूँ तो यहाँ पे मैं डेढ़ इंच लूंगी टक्स का तो यहाँ पे मैंने डेढ़ इंच जो है टक्स की चौड़ाई ले ली है अब हम क्या करेंगे साइड में डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे वरना टक्स लेने के बाद क्या होगा आपका फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा इस तरह से जो हम टक्स ले लेंगे तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको पहले से ही डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है जितनी टक्स लेनी है उतना ही एक्स्ट्रा ले लें तो इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग कर दिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सिलाई में जितना कपड़ा जाएगा ना उसकी मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है जितना भी आप सिलने में जाने देते हैं उतनी मार्किंग कर लेनी है तो मैंने पॉइंट ट्वेंटी फ़ाइव जितनी मार्किंग कर दी है अब ऊपर का नेक देखें वो तो हमने ढाई इंच मार्क कर लिया था अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है आप अगर मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता होगा मैं यहाँ पर नेक की चौड़ाई को नहीं देखती हूँ हमें शोल्डर कितना रेडी रखना है उसमें हमें एक इंच जितना प्लस करते हुए मार्किंग करनी है तो मैंने यहाँ पर साढ़े तीन इंच पर मार्किंग कर दी है क्योंकि मुझे ढाई इंच शोल्डर चाहिए रेडी अब यहाँ पर फ्रंट नेक की गहराई ले ली है तो मैं यहाँ साढ़े छः इंच पर नेक की गहराई की मार्किंग कर रही हूँ अब जो नीचे की साइड है यहाँ से आप गले की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने इसमें दो तीन पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया है गले की चौड़ाई के लिए अब ये स्क्वायर नेक बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि स्क्वायर नेक ऑलरेडी काफ़ी ब्रॉड हो जाता है अब यहाँ पर बैक नेक की मार्किंग कर रही हूँ मैं नौ इंच पर तो बैक नेक में यहाँ पे चौड़ाई मैं ले लूँगी चार इंच जितनी आप नीचे से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको ऊपर की साइड पे ढाई इंच जितना ही लेना है लाइन को ड्रॉ कर देना है बैक साइड पे मैं इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ करने वाली हूँ सो so, ये फ्रंट नेक है और ये बैक नेक है कटिंग कर ले रही है नेक को मैं अभी नहीं कट करूंगी नेक को मैं आप बाद में सिलने के बाद कटिंग करूंगी अब ये देखिए जो हमारा बैक पार्ट है ना उसमें तो हमें कोई टक्स लेनी नहीं है तो ये टक्स का जो हमने फ्रंट पार्ट में डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना इसमें इसको माइनस कर देना है नहीं तो ये पार्ट आपका बड़ा हो जाएगा तो मैंने बैक साइड पे इसको माइनस कर दिया है तो ये बैक साइड रेडी हो गया है अभी जो फ्रंट वाला साइड है उसमें आर्म होल की गहराई ले लेनी है तो ये फ्रंट आर्म होल की गहराई ले ली है अभी जो टक्स है ना उसको इस तरह से कट कर लेना है तो इसकी मैंने कटिंग कर दी है सिलने के बाद ही इस तरीके से आएगी अब यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं फ्रंट एंड बैक अब इन पार्ट्स को हमें जो दूसरा स्तर है क्रेप वाला उस पर ट्रेस करते हुए कटिंग कर लेनी है और जो मेन फैब्रिक है हमारा उस पर भी कटिंग कर लेनी है इस तरह से प्लेस करेंगे एंड कट कर लेंगे तो यहाँ देखिए टोटल तीन पार्ट्स हैं आप अगर ज़रूरी नहीं है कि आप भी डबल अस्तर का यूज़ करें लेकिन आपको आगे समझ में आ जाएगा मैंने डबल अस्तर क्यों यूज़ किया है क्योंकि जो क्रेप का फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास चार मीटर कपड़ा बचा हुआ था तो यहाँ पे मैंने कपड़े को दो दो मीटर में डिवाइड कर दिया है तो वो सेक्शन मैंने अलग कर दिया है अभी पहले ये जो दो मीटर फैब्रिक है इसको फ़ोल्ड करेंगे एक बार फोल्ड कर देना है फोल्ड कर लेने के बाद एक साइड ही आपको इस तरह से खुला हुआ मिलेगा और एक साइड बंद मिलेगा तो बंद साइड से आपको इस तरह से उठाते हुए इसको डायरेग्नली फोल्ड कर देना है इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है अब फोल्ड कर लेने के बाद जो साइड है ना देखिए साइड चार पर्ट हैं कपड़े की अब यहाँ पे आपको आपके कमर का आधा ले लेना है पंद्रह इंच क्योंकि हम डबल अम्ब्रेला में बना रहे हैं तो हम दो पार्ट में इसको बनाने वाले हैं तो पंद्रह को आपको चार से डिवाइड कर लेना है तो मुझे मिला थ्री पॉइंट सेवेंटी फ़ाइव तो मैं यहाँ पर कमर के लिए थ्री पॉइंट सेवेंटी फ़ाइव पर निशान लगा रही हूँ अब ऊपर से देख लेंगे कितना मिल रहा है पाँच इंच मिल रहा है इस तरह से मार्किंग करते हुए ड्रॉ कर लेने हैं लंबाई का निशान लगाएंगे तो इसकी बॉटम पार्ट की मुझे रेडी लेंथ चाहिए थर्टी सिक्स इंच जिसमें मैं एक इंच एक्स्ट्रा लेते हुए थर्टी सेवन इंच पर मार्किंग कर रही हूँ जो मेरी फ्रॉक सूट की रेडी लेंथ है वो है पचास इंच मार्किंग करते हुए इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ कर लेंगे शेप ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है ये हमारी सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है क्योंकि बॉटम को डबल सर्कल में बनाने वाले हैं तो अब जो दूसरा पीस हमने रखा था उस पर भी इसी तरह से सेम कटिंग कर लेनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस पार्ट को पहले ओपन करके देखेंगे तो ये हमें कमर का सिर्फ हमारा आधा भाग मिला है अब जो बाकी का कमर का पार्ट है ना उसको हम दूसरे फैब्रिक पर करने वाले हैं तो देखिए दूसरे फैब्रिक को भी मैंने इसी तरह डाइग्नली फोल्ड करते हुए रख लिया है अब इसको प्लेस करते हुए मैं कटिंग कर लूँगी तो डबल अम्ब्रेला इसी को बोलते हैं इससे आपको घेर काफ़ी ज़्यादा मिलता है नॉर्मल फ्रॉक सूट से इसमें आपको घेर डबल हो जाता है बस आपको फैब्रिक भी ज़्यादा लेना होगा तो इस तरह से ये फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों मिल गए हैं अब इनके आप फ्लेयर देखिए बॉटम से फ्लेयर तो बहुत ही ज़्यादा है जैसे आप देखते हैं जो रेडीमेड सूट्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा फ्लेयर में रहते हैं उनकी कटिंग भी इसी तरह से होती है अब ये जो साइड है ना इसको ज्वाइंट कर देंगे इसी तरह जो दूसरी साइड है उसको भी ज्वाइंट कर देना है इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है ना चार मीटर कपड़ा उसको भी मैंने दो दो मीटर के सेक्शन में डिवाइड किया एंड जैसे हमने जॉर्जेट का फैब्रिक कट किया है वैसे मैंने लाइनिंग को भी कट कर दिया है लाइनिंग आप चाहें सिंगल घेर में भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे फ्लेयर बहुत ज़्यादा चाहिए था सूट का जैसा कि आपने देखा है इसलिए मैंने अंदर साइड पे भी ज़्यादा फ्लेयर देते हुए ही कटिंग की है अब इसके भी साइड को ज्वाइंट कर लेना है दोनों साइड को ज्वाइंट करने के बाद जो बॉटम है ना उस पर इंटरलॉक कर देना है या फिर आप डबल सिलाई देते हुए फोल्ड भी कर सकते हैं अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करूँगी इसके लिए देखिए कपड़े को मैंने पिन लगा के सेट कर दिया क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा खिसकता है तो यहाँ कपड़े को मैंने चार पर्द में रखा हुआ है फोल्ड करते हुए अब इसकी चौड़ाई है साढ़ी दस इंच और लंबाई मैंने ली है पंद्रह इंच तो यहाँ पर साइड से मैं एक निशान लगा रही हूँ चार इंच पर अब इस साइड से भी मैंने एक निशान लगाया है पाँच इंच पर अब दोनों निशान को मिलाते हुए एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ साढ़े सात इंच पर दो इंच मार्जिन का रख लेना है आगे की साइड मोरी पर निशान लगा देना है यहाँ मैं लगा रही हूँ पाँच इंच पर एंड इसमें भी दो इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इसकी कटिंग कर लेंगे सीप का जो फ्रंट आर्म होल रहता है इसके लिए हम दो परत कपड़े की पकड़ेंगे और हल्की सी गहराई ले लेंगे तो ये फ्रंट आर्म होल की गहराई मिल गई है ओपन करेंगे ओपन करने के बाद जो गहराई वाला पार्ट है वो हमारा फ्रंट आर्म होल में आएगा अभी देखिए टॉप में मैंने जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है और जो हमारा क्रेप वाला स्तर है इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया है कच्ची सिलाई लगाते हुए ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ दो फैब्रिक हैं उस पर कच्ची सिलाई मैंने दे दी है दोनों पार्ट्स में अब जो टक्स वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर निकाल दूँगी क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा खिसकता है तो इसको सेट करना काफ़ी मुश्किल होता है तो मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको कट किया है इस तरह से अब क्या करेंगे जो हमारा तीसरी वाली कॉटन लाइनिंग है उसको इस तरह से रखेंगे अब देखिए गले को मैंने पूरे में ड्रॉ कर लिया है इसी तरह बैक साइड पर मैंने पूरे में गले को ड्रॉ कर दिया है मैं इसको पिन से सिक्योर कर दूंगी जिससे कपड़ा खिसके नहीं अब जो नेक एरिया है उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी सिर्फ नेक एरिया पर सिलाई लगानी है तो जहां पे मैंने नेक ड्रॉ किया था उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है अब हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे इस कटिंग करने के बाद इसमें कट्स लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट्स लगा देने हैं कट्स लगाने के बाद इस कॉटन लाइनिंग को बैक साइड पर पलट देंगे तो इससे आपका जो नेक है बहुत ईजिली बन जाएगा पलटने के बाद इस पर एक बार प्रेस लगा दें और आप चाहें तो ऊपर से एक और सिलाई लगा सकते हैं एक पैर की जिससे ये कपड़ा आपस में चिपक जाएगा अब यहाँ पर हम टक्स लेने वाले हैं टक्स के लिए क्या करेंगे तो जो ऊपर के दो फैब्रिक हैं सिर्फ उनको मैंने पकड़ा हुआ है कॉटन वाली लाइनिंग को मैंने छोड़ दिया है अभी पहले तो इस पर एक कच्ची सिलाई लगा दूंगी जिससे जॉर्जेट का फ़ैब्रिक खिसके नहीं अपनी जगह से आपको भी इसी तरह से लेनी है क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा खिसकता है और उसको सेट करना काफ़ी मुश्किल रहता है तो इस पर कच्ची सिलाई लगा दिए सिलाई देने के बाद दोनों फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे सिलाई लगा देनी है यहाँ पे देखिए जो कॉटन वाला फैब्रिक है उसको मैंने अभी नहीं सिलाया उसको मैं अलग से सिलने वाली हूँ टक्स को तो इस तरह से टक्स आ गई फ्रंट साइड से इस पर एक बार प्रेस लगा दे तो आपका जो थोड़ा बहुत पॉइंट बनेगा ना ऊपर वो भी चला जाएगा अब देखिए जो बैक साइड वाला है इसको अब हम सिलेंगे अंदर की तरफ आप चाहें तो तीनों फ़ैब्रिक को एक साथ में ही सिल सकते हैं लेकिन मैंने ये अलग अलग क्यों टक्स को लिया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप प्रॉपर फिनिशिंग चाहते हैं कि आपको बैक साइड पर भी फिनिशिंग आए तो आप टक्स इसी तरह ले लें तो देखिए फ्रंट साइड तो हमारा ये फिनिशिंग से आया ही है एंड बैक साइड भी आप देखेंगे देखिए इस तरह से प्रॉपर फिनिश आएगी अंदर की तरफ ये अन फैब्रिक हमारा चला जाएगा इसी तरह दूसरी साइड पे भी टक्स को ले लेना है तो दोनों साइड्स पर मैंने टक्स ले लिए हैं अब जैसे फ्रंट नेक को हमने बनाया है ना इसी तरह से बैक नेक को भी बना लेना है देखिए इस पर भी मैंने सिलाई लगा दी है सिलाई लगाने के बाद आधा इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी कटिंग करने के बाद इसमें भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट्स लगा लेंगे कट्स लगाने के बाद दूसरी साइड पर पलट देंगे पलटने के बाद इस पर प्रेस लगा देंगे अच्छे से और आप गले पे एक सिलाई ऊपर से भी लगा सकते हैं तो यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों रेडी हो गया है अब इन दोनों को सेट करते हुए उनके शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को सिल दिया है जो हमने स्लीव्स कट की थी ना उनको इस तरह से रखते हुए इस पर अटैच कर देंगे ध्यान रखिए जो स्लीव्स का गहराई वाला हिस्सा है वो हमारी फ्रंट साइड पर आना चाहिए इस दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर देना है तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को ज्वाइंट कर दिया है सेव ज्वाइन करने के बाद इसकी साइड की फिटिंग दे देंगे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई लगा दी है टॉप पार्ट रेडी हो गया फ्रंट एंड बैक इस तरह से इसका एकदम परफेक्टली बन गया है अब जो बॉटम वाला पार्ट है देखिए बॉटम का जो अस्तर वाला पार्ट है उस साइड से जॉइंट कर दिया है और इसके बॉटम को भी मैंने फोल्ड कर दिया है अब यहाँ पर मेन पार्ट है उसको भी देखिए बॉटम पर मैंने पीको कर दिया है मेन पार्ट के अंदर हमें अस्तर वाले पार्ट को सेट कर देना है चाहे तो कच्ची सिलाई लगा सकते हैं आप इस पे वेस्ट एरिया में अब टॉप पार्ट के साथ इस तरह से सेट करते हुए इसमें ज्वाइंट कर देंगे राउंड सिलाई देते हुए अटैच कर लेना है so, यहाँ पर मैंने इसमें अटैच कर दिया है सूट so, का फ्लेयर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा आया है बैक साइड पर मैंने इसमें डोरी और टैसल्स अटैच कर दिए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग